हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट कैनेटिकल कांस्टेंट इस यूनिट के अंदर, यूनिट थर्ड के अंदर, जिसका नाम है आरएम वैल्यू, रिचर्ड मेसल वैल्यू, राइट। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें रिचर्ड मेसल वैल्यू के क्या प्रिंसिपल है, क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन और प्रिंसिपल पे बढ़ने से पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। मतलब सिग्निफिकेंस से हमें बेसिकली ये पता चलने वाला है कि हम इस आर एम वैल्यू को निकाल क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आर एम वैल्यू जो होता है मेनली क्या करता है, जो भी आपके नॉन फैट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आपके कोई भी फैट है जिसमें जिसमें नॉन फैट कंपाउंड जो है उनका इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो आर एम वैल्यू इज़ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ नॉन फैट कंपाउंड इन एडिबल फैट्स एंड इज स्पेशली हाई इन बटर। कई बार बटर में बहुत सारे आपको ऐसे कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉन फैट होते हैं जनरली। तो क्या करता है ये, उनको इंडिकेट करता है आर एम वैल्यू। कैसे करता है हम देखेंगे अभी, डोंट वरी। तो करता क्या है पहले ये देखते हैं। सेकेंड, क्या यूज हो सकता है इसका, सिग्निफिकेंस ये हो सकता है, इट इज यूज फॉर मेजर ऑफ वाटर सोलेबल वॉलेटाइल एसिड्स। करता क्या है ये कि जितने भी वाटर सोलेबल वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं ना, वॉलेटाइल क्यों कह रहे हैं कि जब अभी हम इसका प्रोसीजर देखेंगे तो हम देखेंगे इसका रिफ्लक्स लगाया, डिस्टिलेशन लगाया जाता है, सॉरी। तो और डिस्टिलेशन लगा के एक पर्टिकुलर जो इसका वॉलेटाइल होने, वेपराइज होने का जो पॉइंट होता है उस पर एसिड्स को सेपरेट कर लिया जाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका टाइट्रेशन करके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इसके लिए आर एम इज यूज फॉर मेजर ऑफ वाटर सोल्यूबल वॉलेटाइल एसिड्स। नेक्स्ट वन इज आर एम डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ब्यूटायरिक एंड कैप्रोइक एसिड। ये भी जो एसिड्स हैं जनरली किस में मिलते हैं, बटर में ही मिलते हैं, ब्यूटायरिक एंड कैप्रोइक एसिड, जो कि विच आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, एंड द कैप्रोलिक एंड कैप्रिक एसिड आर स्लाइटली सोल्यूबल, ठीक है। इनमें से जो ब्यूटायरिक एंड कैप्रोइक एसिड है वो तो हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, लेकिन जो कैप्रोलिक और कैप्रिक एसिड है वो स्लाइटली सोलेबल इन वाटर होता है। तो जो हाईली सोलेबल है उसका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कंपेयर करके पता लग जाता है कि कितना ब्यूटायरिक और कितना कैप्रोइक ब्यूटायरिक एसिड है और कितना कैप्रोलिक एंड कैप्रिक एसिड है। ऐसा एसिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी फैट में आप देख रहे हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है एक, तो हम पहले उस कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर लेंगे, जो एस्टर बॉन्ड है, एस्टर लिंकेज है, उसको अलग कर लिया जाता है और एसिड इसका जो है वो अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उस एसिड को अलग करके उसका एनालिसिस किया जाता है कि कितना एसिड हमारा फैट में से अलग हुआ है, राइट। ये था इसका सिग्निफिकेंस। अब देख लेंगे हम इसकी डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन, आर एम वैल्यू इज डिफाइंड एज द मिलीलीटर्स ऑफ एल्कली, ठीक है। कितना मिलीलीटर ऑफ एल्कली यानी कि कोई भी बेस जो होगा वो रिक्वायर होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स, जो वाटर वॉलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। किससे मिलेंगे, जब 5 ग्राम ऑफ फैट को सेपोनिफाई किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें सब वर्ड समझ में आ रहे होंगे। देखो हमें क्या करना है, पहले तो सेपोनिफाई करना है, ठीक है। सेपोनिफाई करके क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, किसी भी उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लास्ट में अटैच था, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूंगी मैं प्रिंसिपल में कैसे करते हैं। उसके बाद जब आपको वो सॉल्ट मिल जा रहा है सेपोनिफिकेशन से, फिर उसका क्या करेंगे, उसमें से उसका वॉलेटाइल वाटर सोलेबल फैटी एसिड को अलग कर लेंगे, ठीक है। सॉल्ट से वापस से हमें एसिड चाहिए, ठीक। तो उस एसिड को पाने के लिए फिर हमें एसिडिफिकेशन कराना पड़ता है उसका, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा ये जो वॉलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड मिलता है उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं हम एल्कली से, ठीक है, बेस से, किसी भी बेस से।
तो हमें पता चल जाता है कि कितना वाटर वॉलेटाइल वाटर सोल्युबल फैटी एसिड मिला हमें। तो अल्टीमेटली हमें इस डेफिनेशन में इसका पता लगा, सॉरी, इस डेफिनेशन में हमें इसका पता लगाना है, ठीक है? ये है हमारा टारगेट, वॉलेटाइल वाटर सोल्युबल फैटी एसिड को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जी पैट का क्वेश्चन बनता है इससे, कि आपको अलग-अलग ये जितने भी आपने एनालिटिकल कांस्टेंट पढ़े हैं, अलग-अलग एनालिटिकल कांस्टेंट दिए जाएंगे, ठीक है? ऊपर लिख दिया जाएगा दिस एनालिटिकल कांस्टेंट, मतलब डैश करके दिस एनालिटिकल कांस्टेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वॉलेटाइल वाटर सोल्युबल फैटी एसिड, और नीचे सारे एनालिटिकल कांस्टेंट्स के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको आंसर बताना होगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, कैसे ये हो रहा है। तो पहला स्टेप, जैसा कि मैंने बोला था अभी डेफिनेशन के टाइम पे, पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, सेपोनिफिकेशन करना होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फैट है, ठीक है? इस फैट को हम जब भी एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमने देखा था सेपोनिफिकेशन में एल्कली के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो ग्लाइसरॉल बन रहा था, ठीक है? और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा था, जिसको हम सोप कहते हैं, ठीक है? ये बन रहा था, ये सोप है, राइट? तो अगर ये सारे सेम होंगे, R1, R2, R3 अलग अलग हैं, तो अलग अलग सॉल्ट बन जाएंगे हर फैटी एसिड का, ठीक है? यहाँ फैटी एसिड लगे हुए हैं R1, R2, R3, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे फैटी एसिड्स के सॉल्ट बन जाएंगे, ठीक है? तो ये बन गया हमारा पहला स्टेप, हो गया कि हमने सोप बना लिया है, या फिर कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना लिया है, ठीक है? नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ना सोडियम है ना, इसको हटाकर इसको पूरी तरीके से फैटी एसिड बनाना है, ठीक है? RCOOH बनाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसका एसिडिफिकेशन कराना पड़ता है, मतलब इसे एसिड में बना, इसको एसिड बनाने के लिए एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। तो एसिडिफिकेशन अगर हमें करना है, तो हमें डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। तो हमारे जो सोप है, ठीक है, जो सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है ना ये वाला, इसमें से हमें क्या लिबरेट कराना है, फ्री फैटी एसिड लिबरेट कराना है विद द हेल्प ऑफ एसिडिफिकेशन। तो यहाँ हमने सॉल्ट ले लिया और एसिड ले लिया और उसका एसिडिफिकेशन करा दिया, ठीक है? इसको हम एसिडिफिकेशन भी लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट का हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिफिकेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें एसिड मिला है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिला है, तो फ्री फैटी एसिड भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि जिस फ्री फैटी एसिड से ये आपका फैट बना था, वही फाइनली हमें वही फ्री फैटी एसिड मिल गया है। R1, R2, R3, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आप R R R लगा के चलो, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ RCONA बना दो, ठीक है? यहाँ RCONA दिखा दो और सिंपली यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ 2 मोल लोगे तो 2 मोल ऑफ RCOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्री फैटी एसिड लिबरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एसिड को पता लगाना है कि कितना है, ठीक है? तो याद आ गया होगा कैसे निकालते थे हम लोग, क्या कराते थे, टाइट्रेशन कराते थे। तो थर्ड स्टेप इसके प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है, टाइट्रेशन, ठीक है? तो टाइट्रेशन में क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्री फैटी एसिड हमने निकाला है, उसको बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है? तो हमारा फिर से फैटी एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, इंडिकेटर डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बेस हमारा यूज हुआ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है? जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो सॉल्ट बनता है, पता है ना हम लोगों को, कि हम टाइट्रेशन कराते थे, जब एसिड बेस टाइट्रेशन, एक एसिड एक बेस है, तो उसका जब हम टाइट्रेशन कराते थे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती थी, ठीक है? तो यहाँ टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जो कि हमने अभी देखा भी था। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अब हम डेफिनेशन को एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, 5 ग्राम ऑफ फैट का
सेपोनिफिकेशन कराया, ठीक है, उसके बाद उसमें से वॉलेटाइल वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड निकाले और उसके बाद उसे क्या किया, न्यूट्रलाइज कराया विद द हेल्प ऑफ एल्कली। पीछे से जा मतलब उल्टा चल के देखेंगे कि शुरू में क्या हुआ था, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो यही निकल के आएगा कि जब हमने 5 ग्राम फैट का सेपोनिफिकेशन कराया और उसमें से वॉलेटाइल वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड को निकाला, उसके बाद उस वॉलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड का हमने जब न्यूट्रलाइजेशन कराया तो उसमें जितना मिली लीटर ऑफ एल्कली यूज हुआ न्यूट्रलाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड आरएम वैल्यू, ठीक है। आरएम वैल्यू इज डिफाइंड एज द मिली लीटर्स ऑफ एल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द वॉलेटाइल वाटर सोलेबल फैटी एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट बाय अ स्पेसिफाइड मेथड ऑफ सेपोनिफिकेशन। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड मेथड ऑफ सेपोनिफिकेशन क्यों कहा गया, ठीक है, वो हमें प्रोसीजर में पता चलेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों स्पेसिफाइड मेथड, इसलिए क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें वॉलेटाइल वाटर सोलेबल फैटी एसिड को निकालना है, ठीक है, हमें बाकी के फैटी एसिड से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वॉलेटाइल वाटर सोलेबल फैटी एसिड निकालना है। इसलिए हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कि हम डिस्टिलेशन करा पाएँ, ठीक है, और कंडेंसेट है होता है जो, उसे अलग कर पाएँ, ठीक है, फिर उस कंडेंसेट को हम न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे उसका, ठीक है, इसीलिए स्पेसिफाइड मेथड लिखा हुआ है। सो मेथड की बात करते हैं, प्रोसीजर की, तो पहले देखिए इतना स्टेप वाइज मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो पहले सेपोनिफिकेशन कराया पोलेंसकी फ्लास्क में, ठीक है, इसका भी सेटअप दिखा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर स्टेप इसमें वही फॉलो करना है जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखा था, इसका मतलब स्पेसिफिक प्रोसीजर ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले हमें हमने कर लिया सेपोनिफिकेशन, उसके बाद इसका कराया जाता है एसिडिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि हमें पता है डाइल्यूट H2SO4 ये है जो, इसको ऐड करके हमें एसिडिफाई कराना है, ठीक। उसके बाद उसको डिस्टिल करा लेना है एसिड को, जो भी एसिड बनता है उसका डिस्टिलेशन हो जाएगा, उसको कलेक्ट करेंगे और 110 ml मार्क तक जब वो हो जाएगा वहाँ तक हम उसको हटा लेंगे, ठीक है। हटाने के बाद उसके बाद उसे एक बार फिल्टर किया जाता है और फाइनली हमें क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ स्टेप नहीं दिया हुआ है लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप ही है, यहाँ पर हम इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका है प्रोसीजर। अगेन हम इसको दो जगह पर परफॉर्म करेंगे, एक में सैम्पल होगा और एक में ब्लैंक होगा, ठीक है। तो कितना, ये इसका फॉर्मूला होता है आरएम वैल्यू का, 1.10 सैंपल माइनस ब्लैंक, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है, अगर डेफिनेशन में जाएं तो हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है, मिलीलीटर्स, ठीक है, तो ml ऑफ निकालना है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इसका जितना हमने देखिए 110 ml कहीं पर ले रखा हुआ है, ठीक है, 110 ml हमने सैंपल ले रखा है और उसको 0.1 नॉर्मल उसकी नॉर्मेलिटी है NaOH की, तो यहाँ पर हम mg नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमें ml निकालना है, इसलिए हम मॉलिकुलर वेट वगैरह इसमें कुछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है, सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट हो जा रहा है ये। तो S इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH यूज फॉर सैंपल, और B हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH यूज फॉर ब्लैंक, सैंपल में से ब्लैंक को माइनस कर देंगे तो आपकी आर एम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ फिनिश होती है आपकी थर्ड यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट के लिए, तब तक हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। मैं अगेन आपसे यही कहूँगी कि नोट्स बनाइए अच्छे से और लिखिए इसको, ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय।